strong. दोस्तों, क्या हाल है, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एडमैन रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट रहीम हुसैन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी फिल्मोरा 9 की क्लासेस चल रही हैं, तो आज आपकी खिदमत में फिल्मोरा की क्लास नंबर 7 लेके हाजिर हूँ। इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी एक वीडियो का साउंड किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त गवाए सीधा मैं ले चलता हूँ आपको फिल्मोरा 9 में। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने मैंने कुछ प्रोजेक्ट मीडिया की मदद से ऑलरेडी इसमें इनपुट करके रखे हैं, और उसमें मैंने एक ऑडियो सॉन्ग रखा है, अपना लोगो रखा है, एक पिक्चर रखी है और अपनी एक क्लास रखी है, क्लास नंबर 3। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी क्लास को ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आएंगे इस तरह के, इस तरह से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब इसका आप साउंड पहले सुन लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एडमैन रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट रहीम हुसैन। तो जो दोस्तों, आज फिर आपकी आपके सामने दोस्तों, इसमें मेरी वॉइस जो है ऑलरेडी लगी हुई है, मैंने इसे ही कैप्चर किया था इसी पीसी पे बैठ के। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक वीडियो शूट करते हो लेकिन उसमें आपको वॉइस ओवर देना होता है या उसमें आपको आवाज़ अपनी चेंज करनी होती है, तो वो आप फिल्मोरा में कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन है। इसमें 3 ऑप्शन है, एक तो वेब कैम है, दूसरा पीसी स्क्रीन है, तीसरा वॉइस ओवर है। तो दोस्तों, वॉइस ओवर जब आप करोगे तब आपकी वीडियो यहाँ पर प्ले होगी। प्ले होने के बाद आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड करके फिर आप उसे रखेंगे ट्रैक नंबर 3 पे, फिर जाके जो है वो चेंज होगी। तो दोस्तों, आज मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप बिल्कुल आसान तरीके के साथ अपनी वीडियो की वॉइस किस तरह चेंज कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल में एक सॉन्ग रखा है नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, तो उसमें थोड़ा माइंड ने करना, मेरे पास और कोई ऐसा जो है वॉइस था नहीं जिसे मैं इस पर रख सकूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वॉल्यूम 0.00 dB लिखा आएगा, और उसके साथ ही एक छोटा सा ये आएगा सैम्पल बना हुआ, आपने जस्ट इसे पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर लाना है। अब जैसे ही आप इसे यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर आप आएंगे, ओके करेंगे और इसे ओहो, ऑडियो पे, ऑडियो के बाद इसे यहां से पकड़ के नीचे कर देना, ओके कर देंगे। तो ये देखें सिंपल, ये देखें, ये आपकी वॉइस ऊपर चलेगी, ये नीचे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, आप देख सकते हैं। और आपको बाकायदगी से मीटर भी दिखा रहा है कि यहाँ पर आपकी आवाज़ कितनी ऊपर है और यहाँ पर कितनी है। ये एक था वो वॉइस के लिए, ये देखें। स्टॉप और इसे ले चलते हैं नीचे। अब आपके सामने वीडियो तो प्ले हो रही है लेकिन उसमें वॉइस बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अब आपने इसमें अपनी वॉइस कैसे ऐड करनी है, जो भी आपके पास वॉइस होगी आपने क्या करना है, सिंपली मेरे पास एक सॉन्ग पड़ा है नुसरत फ़तेह अली खान का, अखियां उड़ीक दिया, मैं इसे ड्रैग करके नीचे लाता हूँ। नीचे लाने के बाद इसे अपनी वीडियो के बराबर जितना ही छोटा कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत बीच में ना आए। तो आपके सामने दोस्तों ये यहाँ तक। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस कैसे आप एक साउंड जो है अपनी वीडियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये देखो, अब वीडियो तो मेरी चल रही है लेकिन साउंड जो बैकग्राउंड में आ रहा है वो एक गाना आ रहा है, एक सॉन्ग आ रहा है। देखिए, अब दोस्तों आपका ये सॉन्ग उतने तक ही चलेगा जितने तक आप इसे रखेंगे, जैसा मैंने यहाँ तक, ये देखें, एंड यहाँ तक और यहाँ तक रखा हुआ। तो दोस्तों, बीच में अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब काफ़ी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें नीचे ऑडियो ट्रैक में, ऑडियो ट्रैक में आपको नज़र आ रहा होगा कि खान साहब की आवाज़ यहाँ से यहाँ तक गुम है, क्योंकि खान साहब चुप कर गए होंगे। तो अब हमने इसको काटना है, काटना वही पिछली क्लास आपने देखी है, ये एक सैम्पल बना हुआ है स्प्लिट का, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसे पकड़ के जहाँ तक आपको तो सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से इसे नीचे लाना है और कट का निशान लगाना है, जहाँ तक आपको काटना है सॉन्ग को वहाँ तक ले जाएं और फिर इसे स्प्लिट कर दें।
अब आपका सॉन्ग जो है तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अब आपने ये हिस्सा काटना है, क्लिक करेंगे प्रेस डिलीट, जैसे ही डिलीट करेंगे बीच का ऐसा खाली हो जाएगा, इसे पकड़ के आपने इसके साथ मिला देना है। तो जैसे ही आपने इसे पकड़ के इसके साथ आप इसको मिलाएंगे, आपका सॉन्ग बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और बाकी रही ये लाइन, इस पर क्लिक करके इसको इतने तक ले जाना है जहाँ तक आपकी वीडियो एंड हो रही है। तो ये देखें, एक झटका भी हो सकता है आ जाएगा, पर वो उसमें सॉन्ग में वॉइस में फील नहीं होता, वीडियो में देखने वाले को फील होता है, साउंड में फील नहीं होता। ये देखें अब चला गया, आपको पता नहीं चले। अब जो है खान साहब गाना पेश कर रहे हैं, आपको आवाज़ शायद आ रही होगी सुनने में, मैं तो कम करके बैठा हूँ क्योंकि मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर उसमें मिक्स हो जाएगी आवाज़। अब देखते हैं लास्ट में क्या हमारे पास हुआ है। ये देखें अब हमारा गाना एंड हो रहा है। तो ये देखें जैसे हमारी वीडियो एंड हुई, हमारा वॉइस ओवर जो था, हमारी वॉइस थी वो भी यहाँ पर पूरी हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरा कोर्स अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स लाइक किया करें यार, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आपका कमेंट्स करने में कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन हमारी बहुत सारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ कि वॉइस को कैसे ट्रैक पे पूरा लाया जाता है, नॉइस कैसे कम की जाती है। तो इंशाल्लाह आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।